हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम खेलने वाले हैं GTA Vice City। आपने सही सुना, GTA Vice City आज हम खेलने वाले हैं। ये इसका, और आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा फर्स्ट डे था। बीच में मैंने एक दो मिशन भी कर लिए थे ऐसे छोटे मोटे, और उनसे थोड़े बहुत पैसे आ गए थे, तो मैंने एक नया घर ले लिया था। सो गाइस, वो घर भी मैं आपको आज दिखा दूँगा। अपना जो पुराना घर था उससे तो वो बहुत दूर है, और उसके वो जो 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 घर है मेरा, उसमें एक गैराज भी, और उसकी लोकेशन बहुत सही है। पर वहाँ पे भी पुलिस आती जाती रहती, जैसे मेरे पुराने घर के आगे पुलिस आती जाती रहती थी। सो गाइस, आज हम मिशन करने वाले हैं, मिशन खेलेंगे आज GTA Vice City में। और भाई, GTA Vice City को भाई 3 साल हो गए ना, 10 साल, 10th एनिवर्सरी है। बहुत बढ़िया। तो आज जो हमारा टॉमी वर्सिटी है, तो भाई उसको एक मिशन मिला था। इसका एक मिशन है कि आप खुद ही देख लेना। तो ये जो मिशन है ना, मिस्टर जैनसन विल बी लीविंग द ज्वेलरी शॉप इन वाइस पॉइंट सून, किल हर मस्ट लाइक का एक्सीडेंट। ओके, सो हमें एक लड़की को मारना जो कि ज्वेलरी शॉप से जाएगी, और उसको एक्सीडेंट करना है। और भाई ये कार देखो भाई, इसको लुक देखो भाई, आगे से कलम बोर्ड भी नहीं लगी भाई, और साइड से इतना बका। अच्छा अच्छा बेटे, मेरे को मारेगा, नंगे वाले कपड़े पहन के अभी। अब भाई तो मार रहे बेटे, रुक जा, तेरी ऐसी बनाता हूँ, रुक। हाँ, अब कहाँ भाग रहा है, नंगा पेंगा, कपड़े हैं नहीं आगे लड़ाई करने। सो अब हम पहले, ये कार मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो इसको मैं अपने गैराज में खड़ी कर दूँगा। और गैराज में खड़ी करके जो वहाँ पे जो कार खड़ी होगी कोई सी भी, मतलब मेरे घर पे, वो वाली कार लूँगा। कार तो चलो भाई कोई सी भी मिले, पर मेरे को है ना पुलिस की, वो जो पुलिस ऑफिस का स्टेशन था भाई, मेरे को वो ढूंढना था। मेरे को याद नहीं थी, पता नहीं कहाँ गया। और मेरे को वहाँ से वो पुलिस ट्रक चाहिए, बड़े वाला, उसका साइज़ बहुत बड़ा भाई, वो ट्रक चाहिए मेरे को, क्योंकि एक कार एक्सीडेंट करना, क्योंकि जो बाकी मामूली कार हैं वो तो बहुत जल्दी ब्लास्ट हो जाती हैं, तो कार एक्सीडेंट मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्रक लेके सीधा जाऊँगा, और फिर एक टक्कर मार दूँगा, तो गाड़ी जो जिसमें वो बैठी होगी ज्वेलरी से जो आएगी लड़की, वो उसकी कार पलट जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगी। एक बार पलटगी तो फिर ठीक रहेगा मामला, क्योंकि एक बार पलटगी तो वो वैसे ही पलटी रहेगी, और क्या पता कोई उठा ना दे। सो गाइस, चलो अब हम चलते हैं मेरे घर की तरफ। मेरा घर यहीं से है, अब यहाँ से हमें राइट लेना बस, और मेरा घर आ गया। यहाँ से राइट, फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट है ना इसकी डायरेक्शन। और वो याद नहीं आ रहा मेरे को पुलिस स्टेशन कहाँ पे था। सो गाइस, पुलिस स्टेशन तो बाद में ढूंढेंगे, पहले हम यहाँ से सीधा गाड़ी गैराज में खड़ी करते हैं। और भाई एक खास की बात बताऊँ, इसके साइड में पेन स्प्रे है भाई, तो कोई भी अच्छी सी गाड़ी मिलती है ना मुझे, मैं यहाँ अपने साइड वाले पेन स्प्रे से करा के, सही इंजन सब अपग्रेड करवा के, कलर बदलवा के, भाई मैं अपने गैराज में खड़ी कर देता हूँ एकदम सेफ। भाई साहब ये देखो साइड में उस तरफ, तो यहाँ से शॉटगन क्यों ले रखी है मैंने, यहाँ से अपनी कार ले लेंगे। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक अलग अलग कार्स आती रहती हैं। तो चलते हैं यहाँ से लेफ्ट की तरफ, और देखते हैं पुलिस स्टेशन कहाँ पे। ये देखिए यहीं पे पेन स्प्रे है, तो मैं यहीं से कोई अच्छी सी गाड़ी मिलती है तो उसको ले जाता हूँ। सुबह और जो मेरे राइट में घर दिख रहा है ना, ये घर भी मैं बहुत जल्द खरीदने वाला हूँ। हाँ, ये जो लेफ्ट में जो दिख रहा है ना ये घर, ओके ओके, मिल गया। फाइनली मिल गया मेरे को पुलिस वाली। और अब यहाँ से देखते हैं, इसे लेके चलेंगे और सीधा करेंगे एक्सीडेंट। गाइस बहुत मज़ा आने वाला है, तो देखते हैं काश लॉक ना। ओ शिट 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 शिट, भाई लॉक क्यों है, तरेगी क्या बनती है बे, लॉक क्यों कर दिया इन्होंने। शिट गाइस, ट्रक तो लॉक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को इनकी कार ले जानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा तो है नहीं। वो जो अच्छी सी गाड़ी थी उसे भी मैं गैराज में पार्क कराया, और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें करना नहीं, और सीधे चल के मिशन करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से चल लेते हैं और एक बार देखते हैं, स्पीड तो सही है इसकी। ओ भाई साहब, का ड्रिफ्ट है भाई,
क्या ओपी लेवल है भाई, ये पुलिस की गाड़ियाँ भाई एकदम ओपी। ओके पुलिस वाला भी इधर ही है, इस पर मेरे को शक ना हो, मैं ठुक ठोक रहा हूँ ना इतनी कहीं कि शक ना हो मेरे पे। इसको शक हो गया ना भाई साहब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और एक तो मैंने वहाँ से चोरा लिया और मेरे पीछे मैं देख रहा था कि पीछे आ रहा था, तो मैं चुपचाप चलता हूँ। अगर वैसे मैं रुक रुक के देखूँगा तो इसको शक हो जाएगा मेरे पे और सीधी भगा लेता हूँ अपनी। तो अच्छा यू मश में एक डॉनसन डेथ लुक लाइक एन एक्सीडेंट डू नॉट यू। अच्छा हमें एक गाड़ी में बैठे बैठे भी कोई वेपन यूज़ नहीं करना है, और जो ये है इसको एक एक्सीडेंट लाइक दिखाना है, मतलब कार एक्सीडेंट। और पुलिस की गाड़ी ले रखी है मैंने और कार एक्सीडेंट दिखाएंगे। ले तेरी ऐसी की तैसी, कहाँ जा रही है, रुक जा मैं बताता हूँ तेरे को इन्हें कहाँ जाएगी। ओए ओए शिट 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 शिट, मैं तो आटी ठोकगी। तो गाइस जल्दी से इसको मतलब इसका कार एक्सीडेंट करवाना भाई साहब, तो जल्दी से चलते हैं। कहाँ गोल गोल घूम रही है, सीधा चल ले, ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो ऐसे भगाती रहेगी तेज चोर, मैं भगाता रहूँगा, ये आ गया मैं पीछे, ऐसे थोड़ा ना। अबे भाई ये क्या अपनी लंबोर्गिनी चला के रेड लाइट पे रुकते हैं भाई, किसको दिखाना है रेड लाइट पे रुक के, नहीं कोई चलान काट रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है। और भाई जो पुलिस की कार है भाई एकदम ओपी लेवल चल रही है, जब भी तो मैं सोचता हूँ, पर जब मैं चला रहा हूँ जब तो ओपी लेवल चल रही है एकदम मस्त, एकदम भाई फाइव स्टार भाई। क्या ड्रिफ्ट भाई, क्या टर्न ले रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही मेरे को, और इसकी स्पीड भी बहुत सही है। पर जब पुलिस में कोई कांड वांड करता हूँ ना, जब पुलिस पकड़ती है, जब नहीं पकड़ पाती पुलिस, लगता है उनको चलानी ही नहीं आती। हाँ वो सीधा ना दीवार में लगा के ठोक देते हैं पुलिस वाले, उन्हें है ना चलानी ही नहीं आती। ओह थैंक यू, शुक्र है मेरी गाड़ी उसके मेरा बैक साइड उसके फ्रंट साइड में लग के वो सीधी हो गई। कहाँ जा रही है, शिट गाइस मेरे पास इतना अच्छा मौका था, मैंने गवा दिया शायद। कहाँ गवा दिया, कहाँ जाएगी। और इसकी गाड़ी में भी मैं बैठ नहीं सकता रोके, क्योंकि वो बहुत तेज चला रही है और भगाए जा रही है तब से। ओ भाई भाई कितने पैसे हैं भाई, अरे बाप रे भाई, कम से कम भाई 200-250 डॉलर होंगे, 200-250 डॉलर जिससे बॉडी आर्मर आया था भाई, 200 डॉलर में बॉडी आर्मर आया था। यहाँ पर भी पैसे भाई, पर भी पैसे देने का निश्चित है, और अगर ये मिशन भी पास नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना पैसे में। ले तेरी ऐसी की तैसी, बहुत बन रही है, तो पता ही नहीं चलता ना किस तरफ टर्न ले लिए, उसमें दिक्कत हो जाएगी। मुझे पता नहीं है कि कहाँ जाना है इसको, फिर तो एक ही बारी में खेल कर आऊँगा, ट्रक भी लॉन्ग है आज। अगर गाइस आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी रेसिंग गेम्स एस्पर 9 लेजेंड्स की भी वीडियो आने वाली है। थैंक यू, और लाइक कर देना, और लाइक का एम रखते हैं, मेरे घर पर तो लाल वाली खड़ी ना, हाँ लाइक का एम रखते हैं, 5 लाइक का एम रख लेते हैं, ज़्यादा के नहीं रखते। कहाँ पहुँच गई वो यार, बहुत दिक्कत आ रही है भाई। अगर है ना तुम्हें वाइस सिटी का मैप नहीं पता तो भाई ये वाला मिशन करो, ये लड़की है ना डॉनसन, जो भी है मिशन डॉनसन जो भी है भाई, तुम है ना ये वाला मिशन करोगे ना भाई, ऐसे गोल गोल चक्कर कटवाएगी ना तुम्हें भाई, ऐसे रट जाएगा भाई वाइस सिटी का मैप। भाई पीछे भी पैसे, ये मतलब क्या भाई, पैसे भी चाहे ब्लास्ट ना हो जाए प्लीज, क्योंकि अभी और गाड़ी लूँगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और ऊपर से भगाए जा रही है इतनी तेज तेज, तेरी ऐसी बना दो इस गाड़ी में से थोड़ा सा धुआं निकल रहा है, निकल रहा है हमारी कार में भी धुआं निकलने लग गया बहुत तेज। भाई पैसे देखो उधर तुम लोग, भाई कितने पैसे गिरे, कम से कम मैंने ना 50 लोगों को आराम से मार दे भाई इस मिशन को करने से, 50 लोग इधर उधर चक्कर कटवा रही है फिर टक्कर मार भाई साहब, ये उधर जल्दी तरह टॉम उतर गया भाई, ब्लास्ट होने लग गया
अबे तू गाड़ी ले निकल, मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो गई। शिट, एक ही अच्छी गाड़ी थी जिसको मैं यूज़ कर रहा था, और तुम देख सकते हो पुलिस की गाड़ी इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी देर में ब्लास्ट हो भाई, इसकी ड्रिफ्ट भाई तुमने देखे होंगे कंट्रोल्स। और ये ओ भाई साहब की भाई क्या टाइमिंग थी मेरी, भाई क्या टाइमिंग थी भाई साहब मेरी, अलग ही लेवल। मतलब भाई क्या वो उधर से आ रही, मैंने इधर गाड़ी ली, बैक करी, आगे करी और ठोक दी भाई सीधी, आग लग गया था, ब्लास्ट हो गया। 3, 2, 1 और ये मिशन पास। ओ गाइस, ओ ओ आराम से आराम से आराम से, अभी भाई मैं पानी में गया था और मेरे $100 जाते भाई साहब, बच गया मैं। और भाई ये देखो उसकी गाड़ी भाई का ब्लास्ट हो गया भाई, और हमारी गाड़ी में भी धुमाने लग गया भाई, इतनी जल्दी काला धुमाने लग गया भाई साहब इंजन में से, देख सकते हैं आप लोग। और पुलिस की गाड़ी में भाई इतनी स्ट्रांग होती है, अगर कार इतनी स्ट्रांग थी तो भाई, और इतने पैसे भाई, अगर मैं सारे ये मिशन करते हुए सारे पैसे करता ना, तो कम से कम $500 से $600 कमा लेते मैं फ्री के। अरे वो पुलिस वाले मार क्यों रहे, मेरे को तो बस पैसे देने से मतलब थे, मारने लग गया भाई ये पुलिस वाला तो अजीब है। एक और गड्डी रह गई क्या, खा लेता हूँ वो भी, मैं सारे पैसे कमाता हूँ, 1000 शायद हो गए, 600-500 डॉलर में आराम से कमा लेता, जितने भी मैं लोगों को मार मार के कमाता तो। और इतने लोग मेरे घर कम से कम 30-40 लोग तो मरी गए, और टॉमी फिर अभी तक किसी ड्रेस में घूम रहा है जो मॉल में इसने ली थी, क्या कहते हैं एम्यूनेशन की शॉप से इसने ली थी, मिस्त्री था लग रहा है, खटारा था, चेक करते हैं। अबे भाई साहब भाई, अब कैसे भाई, अब कैसे अनलॉक हो गए, मतलब अब कैसे इसको डोर लॉक क्यों नहीं था भाई साहब, हमेशा मेरे साथ ही होता था भाई, क्या किस्मत है बे। सो थैंक यू, लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।